सर रावत जी आ रहे हैं, हरीश रावत जी, उनके बेटे वीरेंद्र रावत जी को टिकट हुआ है। मैं अभी पीछे भी देख के आया हूँ, बहुत ज़्यादा हुजूम साथ में है, आप भी पूरी भीड़ लेकर खड़े हुए हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इतना लेट होने का नुकसान पहुँचेगा कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है। हरीश रावत जी जो हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं, चाहे कोई सी पार्टी हो या कोई सा समाज हो, हरीश रावत से बड़ा नेता कोई नहीं है। हरीश रावत जी के नाम से ही वोटर जो है, लोग जो हैं उनके से मिलने के लिए, उन्हें वोट करने के लिए जो है आतुर हो जाते हैं, तो हम कभी लेट नहीं हुए। और दूसरी बात, कांग्रेस अपने आप में एक प्रमुख चेहरा है, कांग्रेस का नाम ही अपने आप में एक प्रमुख चेहरा है। मोदी जी की लहर, मोदी जी का नाम, जो मोदी जी लगातार गाते आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हम जो है हिंदुस्तान को करेंगे, वे अपनी सरकार या अपनी भाजपा पार्टी को ही नहीं बचा पाए कांग्रेस से। उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो आपके लोकसभा के वो हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो चाहिए, उन्होंने भरमार कर रखी है। तो एक जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कोई चीज़ है ना आगे की पीढ़ी में दिखाई देती थी, भाई ये तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी है, किसी में गुस्सा होता था, किसी में प्यार होता था, किसी में कोई कार्य करने की क्षमता होती थी। तो ये जो मतलब सरकार को चलाने का काम है, हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम है, ये केवल कांग्रेस और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं। ये मोदी जी को समझ में आ चुका है पिछले कुछ समय में ही, इसलिए वो जो हैं इतने आतुर हैं भाजपा वाले और मोदी जी जो हैं कि उन्हें बगैर कांग्रेसियों के अपनी भाजपा सरकार या मोदी सरकार को चलाना मुश्किल हो रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत की बजाय कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है? बिल्कुल हो गई है, आप खुद देख सकते हैं। भाई आप लोग जो हैं न्यूज़ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, अभी आप देखिए, पहले हमारे उत्तराखंड को ही ले लीजिए, आप देखिए हमारे यहाँ से गए हुए लोग, चाहे उसमें हरक सिंह रावत भी थे, यशपाल आर्य जी भी उस वक्त हैं, जो वापसी घर कर चुके हैं, वो अभी वहाँ पे जो हैं आपके सतपाल महाराज जी हैं, आपके सुबोध उनियाल जी हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, वही तो राज कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरी सरकार चलाई है उत्तराखंड की। अब आप मोदी जी को ले लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया कौन है? शुरू से कांग्रेसी है, पिताजी कांग्रेसी थे, आप बात समझिए। उनके यहाँ जितने आज की डेट में नेता हैं, मंत्री हैं, मैक्सिमम वो लोग हैं जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे, अब वो वहाँ जाकर उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो कांग्रेस में है पूरी भाजपा, लेकिन एक नुकसान ये भी होता है कि जिस जनप्रतिनिधि के साथ जो जनता जुड़ी होती है, अगर उन्होंने पार्टी बदल ली है तो जाहिर सी बात है इतना वोट तो कट जाएगा ना। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि रुड़की के अंदर सचिन गुप्ता है और सचिन गुप्ता के साथ जनता जुड़ी हुई है, जनता सचिन गुप्ता के साथ चली और कांग्रेस में है और कांग्रेस का नारा दे रही है। बताइए कौन सा कार्यक्रम ऐसा है जो कांग्रेस नहीं कर रही हो रुड़की के अंदर विधानसभा? वो तो मैं देखता हूँ, सचिन गुप्ता ना कर रहा हो या सचिन गुप्ता से ज़्यादा भाजपा करके दिखा रही हो। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, भाजपा जो है मुझे अपने सारे प्रोग्रामों की लिस्ट पिछले एक साल की दे दें और उसके एवज में सचिन गुप्ता की पूरी लिस्ट चेक कर लीजिए आप। नहीं, बिल्कुल, आप तो सचिन गुप्ता नाम जो है एक टाइप से ब्रांड भी बन चुका है, ये मैं देखता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने कवर भी किए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, अमर उजाला का हो या कोई सभी हो, वो तो बात ठीक है आपकी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो लोग छोड़कर हाल फिलहाल में गए हैं उत्तराखंड के अंदर, उनके साथ कुछ ना कुछ वोट बैंक तो गया है ना? देखिए हाल फिलहाल में वो लोग छोड़कर नहीं गए, मोदी जी और मोदी जी की सरकार, क्योंकि अब भाजपा तो रही नहीं, अब तो मोदी गारंटी और मोदी सरकार है, तो वो लोग लेके जा रहे हैं, उन्हें जरूरत है तो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है ईडी से, सीबीआई से और इनकम टैक्स से। जैसे अभी डराने की कोशिश हमारे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा लड़ रहे हैं पौड़ी से, उन्हें भी डराने की कोशिश की गई है गणेश गोडियाल जी से, उन्हें भी शायद प्रलोभन दिया जा रहा है लगातार, लेकिन उन्होंने सारे प्रलोभनों को, सारे डर को अलग रख के कांग्रेस के झंडे को पूरी मजबूती के साथ पकड़कर वहाँ पर अपनी बढ़त बना रखी है। और आप देखिएगा कि इस बार 5 सीट में से हम, मैं 5 सीटों का दावा नहीं कर रहा, लेकिन 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और भाजपा हारने जा रही है। यानी पिछली दो योजना, यानी 2014 और 19 का रिकॉर्ड जो है कांग्रेस तोड़ने जा रही है, क्योंकि दोनों बार पूरी पूरी सीटें बीजेपी को गई है। देखिए आप इसे 2014-2019 की बात कर सकते हैं, 2014 से पहले 2009 भी गया है, 2009 में 5 सीटें हमारे पास थी, आपको ये भी कहना चाहिए कि 2009 की 5 सीटें कांग्रेस के पास थी। अब की बार ये तिलस्म टूटेगा 10 साल का, और तिलस्म टूटने के बाद यहाँ से जो है हरीश रावत जी, गणेश गोडियाल जी और हमारे घनसोला जी जो हैं, अभी नैनीताल में फाइल हो जाए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जिसमें कई नाम चल रहे हैं, भुवन कापड़ी जी का, महेंद्र पाल जी का, जो भी आएगा वो भी सीट हमारे कब्जे में आएगी। तो आप इतना एक्टिव रहते हैं कांग्रेस के प्रोग्राम्स को लेकर, आपको नहीं लगता भाजपा से आपको भी कोई ऑफर आएगी? देखिए ना तो मैं भाजपा के ऑफर का इंतजार करता, ना मैं भाजपा के ऑफर को ग्रहण करना चाहता, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा, और कांग्रेस की एक ही नीति है, सर्व समाज को अपने साथ लेकर चलना, सर्व समाज के हितों का काम करना।
मैं खाली नारे देने में या कांग्रेस नारे देने में नहीं करती, सबका साथ सबका विकास, ना तो उन्होंने आज तक विकास करा। आज ही अमर उजाला का एक न्यूज़ आई है, अमर उजाला पेपर में है कि डॉलर सबसे निचली स्तर पर आज पहुँचा है। तब मोदी जी 56 इंच का चौड़ा करके कहते थे, शायद कांग्रेस का इतना समय हो गया तो 70 रुपये 69 रुपये का रेट रहता था उसका डॉलर का, आज 83 रुपये से नीचे आ गया, तो आप खुश हो सकते हैं, इसका मतलब है कि भाजपा का दिन जाने का ही आ गया। अच्छा सर, कुछ युवा देखा जा रहा है, जैसे निर्दलीय खानपुर विधायक उमेश कुमार, युवा जो हैं उनके साथ जोश खरोश से लगे हुए हैं, अभी नामांकन दाखिल करने वो गए, अच्छी खासा उनके साथ भीड़ भाड़ रश देखा गया है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जब लोकसभा आती है, लोकसभा में दो ही पार्टियाँ हैं इस वक्त अगर देखा जाए, मैं इससे दोहराई नहीं करूँगा, पहले नंबर पर कांग्रेस और दूसरे पर भाजपा। तो कांग्रेस आज तक भी, कांग्रेस जो है वो अपने उसमें इलेक्शन लड़ती है और कांग्रेस ही विपक्ष की भूमिका निभाती आई है, और आइंदा भी अगर कभी भी कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा तो कांग्रेस ही बैठेगी, जो अब मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो हमारे ऊपर एक वो लगा हुआ है 70 साल का राज, तो राज करना तो देखो कांग्रेस ही जानते हैं। यानी आप किसी और को मानते ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा? देखिए, मैं कांग्रेस के अलावा तो किसी को मानता ही नहीं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में एक चेहरा होता है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इतनी मजबूत नींव रखे हुए है कि उसको जड़ों को हिलाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कुछ नेता जरूर गए हैं। देखिए, एक घर में 5 जने अगर होते हैं तो तबली बज जाती है, एक आधा जो है इधर से उधर हो जाता है, लेकिन मजबूत घर तभी रहता है जब उसमें 3 बंदे रुक जाते हैं, तो वो अभी तक रुके हुए हैं। भावना पांडे जी को बीएसपी से टिकट हुआ है, जिन्होंने अभी तक अपनी जेसीपी पार्टी बनाई हुई थी, विलय कर लिया है, तो क्या इसका भी फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं? देखिए, ये भाजपा को सोचने की जरूरत है, कांग्रेस को नहीं। यानी कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो मजबूत है? देखिए, कांग्रेस का जो कैडर वोट है, कांग्रेस के हमारे जैसे जो मजबूत कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और उसका आज हमने एक नमूना छोटा सा जो है अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समक्ष दिखा भी दिया है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे पूरा रेला उनका आ रहा है, और ये रेला जो है देहरादून तक चलेगा, तो हम सिर्फ इस बात को। नमस्कार सिटी के माध्यम से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रुड़की की तस्वीरें हैं, हरिद्वार रोड पे जहाँ ए टू जेड का शोरूम है, यहाँ सचिन गुप्ता जी हरीश रावत जी के स्वागत के लिए अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं, ढोल नगाड़े बजाकर उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ढोल नगाड़े हैं, सचिन गुप्ता जी की पूरी टीम है उनके साथ, और नारे लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के। दूसरी तरफ से ये काफिला आ चुका है। फाइनली लोकसभा का टिकट हो गया, आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2024 कांग्रेस पार्टी का है, परिवर्तन का है। कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, और हम सबके नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो विकास रुक चुका है इन 10 वर्षों में, भारतवर्ष बहुत पिछड़ चुका है, तो इसकी भरपाई तभी होगी जब राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विकास की गंगा बहेगी और महंगाई कम होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा। लोगों का प्यार चाहिए, समर्थन चाहिए, और हमारे पास देने के लिए सेवा है और संघर्ष है, और सेवा और संघर्ष के लिए हम समर्पित। सर, ये इतना बड़ा हुजूम आपके साथ चल रहा है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? लोग परिवर्तन चाहते हैं और ये परिवर्तन का हुजूम है। हमारा ये कहना कि जो जनसैलाब आज हरीश रावत जी के पीछे, इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, कांग्रेस पार्टी के यहाँ से भारी मतों से जीत होगी। बिल्कुल, मैं कुछ प्रोग्राम्स में देख भी रहा हूँ, आपको बहुत सपोर्ट मिलती है लोगों की, ये मैंने क्लियर के प्रोग्राम से देखा है, लेकिन क्या आप कामयाब हो पाएंगे इतने कम समय में वोट में बदलने में इस भीड़ को? बिल्कुल, हमारी मेहनत है, जो हमने विकास किया अपने क्षेत्र में, पिरान किले की विधानसभा जो 3 बार कलेर की जनता ने मुझे जिताकर भेजा, मुझे उम्मीद है कि मेरे से भी ज़्यादा इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे, जो हमारे हरीश रावत जी यहाँ भारी मतों जीत कर जाएंगे।
यानी आज के प्रोग्राम से आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वोट बैंक और बड़ा हो जाएगा? अरे आशीष, तुम पहले से ही है, अगर आज और भी गुरुकुलनाथ ने बॉर्डर से और अब रुड़की पहुंचे तमाम जन सैलाब रावत जी के पीछे चल रहा है, तो इससे यही प्रतीत होगा कि इंशाल्लाह जीत हो हमारी होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। एक बड़ा जन सैलाब जो आज कांग्रेस के इस रोड शो में देखा जा रहा है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी जो सुपुत्र हैं हरीश रावत जी के, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के रह चुके हैं, और एक बहुत भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है। और दावा भी है इन लोगों का कि कांग्रेस पार्टी इस हरिद्वार लोकसभा सीट को एक तरफा जीतने जा रही है, और ये जो भीड़ है ये वोट में, ये वोट वाली ही भीड़ है, यानी वोटर्स की ही भीड़। ढाई लाख से जीतेंगे इस बार, ढाई लाख से जीतेंगे रावत जी, ढाई लाख से जीतेंगे, ढाई लाख से। भाजपा का कहना है उनका कैंडिडेट 5 लाख से जीतेगा, वो कुछ भी बोले लेकिन 2.5 लाख से हमारा फिक्स है, वो जुमला है उनका। बीजेपी वालों का तो हमेशा जुमला होता है, वो कभी सच नहीं बोलते, उनके उनकी बात में सच्चाई होती ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी जितना करते हैं 90% हमेशा कार्य करते हैं, और बीजेपी का 10% भी वो काम नहीं करती, झूठ बोलते हैं। टोटल नेता उनके जुमलेबाज हैं, खुद मोदी जी जुमलेबाज हैं, अमित शाह हो कोई भी हो सब जुमलेबाज हैं, कोई उनका विश्वास नहीं कर सकता। आज वो कुछ बोलते हैं अगले दिन उससे बड़ा झूठ बोलते हैं, इसलिए हम इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये हमारा वादा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।